हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे क्लैट एलएलएम 2022 की। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, 2022 का पूरा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पेपर था, क्या चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रैटेजी में चेंज लेकर आनी है। अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें, जो कि मैंने आपको 2022 की वीडियोज़ करी हुई हैं बहुत सारी, तो 2023 की हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहनी चाहिए क्लैट पीजी क्लैट एलएलएम के लिए। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लैट में हमारा प्रोग्राम एलएलएम का पीजी है या यूजी है। पीजी है, एलएलएम करोगे आप, ठीक है ना। और अल्टीमेटली हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एलएलएम 2023। तो ये एक पूरी की पूरी गाइड है, ठीक है ना। तो इसको आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, बट अगर आप इसको पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लैट एलएलएम के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाले, पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा, कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पता चल जाएंगे, कौन सी वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको चाहिए इस एग्जाम के लिए वो भी मैं डिस्कस कर दूंगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और आपके साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज भी डिस्कस करूंगी। एंड आपको एक बात बता दूँ, हमारे इन फ्री रिसोर्सेज में से 2022 का क्वेश्चन पेपर आया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको लॉगरी ने आपको पहले ही बता दिए थे, राइट। ऐसा हमारे बच्चों ने भी आके हमें बताया, और अब मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया तो मैंने रियलाइज किया कि ये इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाकर भेजी थी अपनी फ्री सीरीज के अंदर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है आपके लिए। तो इसको पूरा का पूरा देखेंगे तो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि आप पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। गाइस, वेलकम टू लॉगरी। आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। एंड आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर देयर बाय द नेम @IAmLogiri। वी डू प्रीटी मोटिवेशनल स्टफ आउट देयर इफ यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी, इफ यू वॉन्ट टू स्टे मोटिवेटेड, एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड अ लिटिल मोर विद लॉगरी, देन डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। सबसे पहले एजेंडा क्या है इस वीडियो का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करूंगी क्लैट पीजी एलएलएम के लिए, पैटर्न ऑफ क्लैट एलएलएम, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ क्लैट 2022, क्वेश्चन टाइप देखेंगे हम, क्वेश्चन पेपर से ही देखेंगे पूरा, क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगी मैं आपको, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एलएलएम 2023, क्लैट 2021 का एनालिसिस, क्लैट 2020 का एनालिसिस, और क्लैट क्या कहता है अपने सिलेबस के बारे में वो भी पढ़ा दूंगी। एंड आपको बता दूंगी क्या चीजें हैं जो उसमें से आपको पिक करनी है, अपनी प्रेपरेशन के अंदर आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। पीजी एलिजिबिलिटी, क्लैट का जो एलिजिबिलिटी है वो आपके एलएलबी के डिग्री में 50% होने चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, 50% ओवरऑल होने चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, आईओ, ओसीआई को बिलोंग करते हो, अगर 45% अगर एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, राइट। अब बहुत सारे बच्चे पूछे कौन ये पेपर दे सकता है, अगर आपका एलएलबी का फाइनल सेमेस्टर जो है, जो आपका फाइनल सेमेस्टर है वो 2023 के अंदर होगा तब भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। आपका जो एग्जाम है वो है 18th दिसंबर 2022 को, ठीक है ना। और इसके फॉर्म्स जो है वो खुले हैं, द फॉर्म्स आर ओपन, यू कैन गो एंड अप्लाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। पेपर का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 आवर्स का पेपर होता है। सिलेबस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है आपका, जुरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है। तो प्लीज ये सारा जो चीज है ये नोट कर लीजिए, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बाद में समझाऊंगी, बट पहले के लिए ये टॉपिक्स नोट कर लीजिए, ये सब्जेक्ट्स नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। क्लैट 2022 के बारे में आपने बहुत ही डरावनी बातें सुनी होंगी शायद, कि मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे लगता है कि ये पेपर जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। इन्होंने हमें बोला हुआ है कि आपको इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स में से ही इन्होंने उठाकर क्वेश्चन डाले। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ओनली, ये मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारी जो थर्ड पैसेज आया ये था लोक प्रहारी थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी एस एन शुक्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें से 6 क्वेश्चंस हमें आए थे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, ये जजमेंट बात करती थी, अप्रैल 2021 की जजमेंट है। उसके बाद पैसेज नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, ये 22nd अक्टूबर 2021 की जजमेंट, राइट टू प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बात हो रही थी तब, फार्मर्स हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट कांट ब्लॉक रोड्स इनडेफिनेटली से सुप्रीम कोर्ट। ये द हिंदू के अंदर भी बहुत क्लियरली इन्होंने ये आर्टिकल मेंशन किया हुआ था, तो अगर हम द हिंदू पढ़ रहे थे
आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, लीगल आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पढ़ रहे थे, तो बहुत आराम से हम ये आंसर कर पाते ये वाले क्वेश्चंस। उसके बाद फैसला नंबर 5 इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पे बेस्ड था, जो कि 2022 में आई थी, रजनेश वर्सेस नेहा मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की ये वाली जजमेंट भी बहुत ज़्यादा बात हुई इस जजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बट अगेन, अगर हम द हिंदू फॉलो कर रहे थे तो ये वाली जजमेंट भी द हिंदू में इसका मेंशन था। तो अब हमें क्या पता चल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द हिंदू हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे। तो अभी आप देखते जाइए बस कि क्वेश्चंस आए कहाँ से थे, पैसेजेस आए कहाँ से थे। उसके बाद 2021 की ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, अमन लोहिया वर्सेस किरण लोहिया। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट थी, साउथ ईस्ट एशिया मैरीन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। ठीक है, नो डाउट ये 2020 की जजमेंट थी, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। चलो अगर मैं इसको क्रॉस भी कर दूं कि हम अब इतने सालों की तो सारी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ सकते, अगर हम 1 ईयर का टाइम स्लॉट भी ले रहे हैं तो ये हम क्रॉस करते हैं। मैंने अपनी वीडियोज में आपको बोला था कि ट्राई करो कि आप जनवरी 2021 से लेकर के जून जुलाई जब भी आपका पेपर होता है तब तक के 2022 की आप जजमेंट्स पढ़कर जाओ। बोला था या नहीं बोला था, अगर आपने मेरी नहीं वीडियो देखी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो वहां से अगर हम देखें तो 1, 2, 3 4, 5 पैसेजेस हमारे क्लियर कट वहां से आए हैं। उसके बाद पैसेज नंबर 8 देखे तो फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, रीरा से रिलेटेड ये जजमेंट थी। अगेन द हिंदू के अंदर बहुत क्लियर कट इसका एडिटोरियल आया था, तो वहां से अगर हम ये जजमेंट पिक करते और ये जजमेंट उठाकर पढ़ लेते तो हमारे लिए चीजें सॉर्टेड थी। उसके बाद पैसेज नंबर 9 अगर हम देखते तो पैसेज नंबर 9 अगेन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2021 की। ये तो बहुत ही फेमस जजमेंट थी, ये मैंने भी आपको करवाई थी, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये मैंने भी लीगल करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपको पढ़ाई थी। अगेन उसके बाद 2021 गुरमीत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाली जजमेंट भी मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद 2021 के अंदर इटली मैरिन्स केस थी, इटली मैरिन केस भी हमने बहुत अच्छे से अपने लीगल करंट अफेयर्स वीडियोज में कवर करा था। ठीक है ना, उसके बाद कॉन्टेजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखिए नॉर्मली जो भी है जजमेंट्स डालते हैं वो हमेशा रीसेंट जजमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। इवन अगर कोई पुरानी जजमेंट इन्होंने डाली है तो इसका मतलब उसका मेंशन न्यूज में कहीं पर हुआ था। ठीक है, अगर फिर भी हम इसको क्रॉस करना चाहें तो हम क्रॉस कर सकते हैं, बट आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट्स हमारी रीसेंट जजमेंट्स ही आई है। उसके बाद अप्रैल 2022 की जजमेंट डाली इन्होंने, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज मेसेस मागुन रियल्टर्स। ठीक है, उसके बाद पैसेज नंबर 14 अगर हम देखें तो सुओ मोटो रिट पिटिशन इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लीज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पेंडेमिक, ये वाली जजमेंट भी आपको लॉगरी ने बहुत ही क्लियरली कवर करवाई थी। तो आप देख सकते हैं अगर आप मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस फॉलो करेंगे तो वहां से भी मैं आपकी बहुत सारी जजमेंट्स आपको कवर करवा दूंगी, राइट। उसके बाद अगर हम 15th पैसेज की बात करें तो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अगेन इसका भी द हिंदू के अंदर भी एडिटोरियल आया था। उसके बाद पैसेज नंबर 16 की बात करें तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर था, क्रिमिनल लॉ बेस्ड जजमेंट थी, नो डाउट हनुमंत केस के अराउंड थी ये। बट मैं दोबारा कहूंगी कि ये कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट ऐसे आई होगी 2021 में या फिर 2022 के अंदर जहां पे ये बहुत ज्यादा डिस्कस करी गई। देयरफॉर अगर कोई जजमेंट को न्यूज़पेपर में बार बार रेफर किया जा रहा है या कोई जजमेंट आई है जो होली सोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट पे बेस्ड है तो वो हमें इस बार अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस भी आपको बहुत अच्छे से मैंने कवर करवाया था, इतनी बार कवर करवाया था तो ये भी मतलब न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ था, इसके अमेंडमेंट्स बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही थी। तो हमारे लिए यहाँ पर अगर कोई द हिंदू का एडिटोरियल अच्छे से पढ़ रहा था या इवन मेरी लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो कर रहा था तो उसके लिए ये बड़े आराम से आंसर हो जाने थे। उसके बाद हमारे पास दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई, राइट टू हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर इन न्यूज, अगेन ये द हिंदू के अंदर कवर्ड था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारी 2021 की जजमेंट आई, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीकेसी फुटस्टेप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी मैंने अपनी क्लासेस में मेंशन करवाई थी आपको। और फिर हमारी इंटरनेशनल बेस्ड जजमेंट आई 2022 पे, यूक्रेन वर्सेस रशियन फेडरेशन। ठीक है, पैसेज नंबर 1 और 2 जुरिस्प्रूडेंस बेस्ड थे, बट उससे हमें पता चलता है कि अगर किसी भी जजमेंट में जुरिस्प्रूडेंस का कोई कॉन्सेप्ट है तो वो हमने बड़े ही अच्छे से पढ़कर जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेजरली हमारी जो जजमेंट्स आई वो कहाँ से आई, 2021 से और 2022 से आई,
और ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की थी या फिर हाई कोर्ट की थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतनी सारी जजमेंट देते हैं, हम सारी की सारी जजमेंट्स तो नहीं पढ़कर जा सकते, तो हमें ढूंढना कैसे है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लैट एलएलएम का पैटर्न भी देख लें खुद से कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है। तो यहाँ पे पीजी 2022 का पेपर मैंने पिक किया है, ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं कि कैसा सा पेपर आता है। तो यहाँ से देखिए पैसेजेस होते हैं, ठीक है ना, पैसेजेस हैं और ये मोस्टली जजमेंट्स में से ही पिक किए होते हैं। पैसेजेस जजमेंट्स बेस्ड पैसेजेस होते हैं, जजमेंट्स में से उठाए जाते हैं। और जजमेंट्स में आपको जैसे बता ही चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट्स ये हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्या हम पैसेज पढ़कर आंसर दे सकते हैं। देखिए बहुत कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन उनको बोल सके, पैसेज समझ कर आप आंसर कर सकते हैं। इवन 2021 में देखा गया था कि कुछ पैसेजेस ऐसे थे जिनको आप पढ़ कर क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे, इवन दो अगर आपने वो जजमेंट्स नहीं पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो ये ज्यूरिसप्रूडेंस पे पैसेजेस आए थे, फर्स्ट टू पैसेजेस ऐसे थे जिनकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपके फर्स्ट क्वेश्चंस 10 to 15 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हैं तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज मे बी टुवर्ड्स दी एंड उन्होंने ईजी पैसेजेस ड्रॉप करे हो। और यही क्या था, इन्होंने जितने भी ईजी पैसेजेस थे वो टुवर्ड्स दी एंड ड्रॉप किए हुए। उसके बाद हमारा देखिए पैसेज आया, फिर यहाँ से क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, जजमेंट का नाम पूछा हुआ है। इसका मतलब हम जब भी कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो हमें उसका नेम ज़रूर याद करना है। तो नेम ऑफ द जजमेंट हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब हम नोट्स बनाएंगे तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेम ऑफ द जजमेंट नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आर्टिकल वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं जजमेंट्स में तो उनकी लिस्ट बनाए कि वो किसके बारे में है, उनके बारे में पढ़ें। उसके बाद अगर उस जजमेंट में किसी और जजमेंट को रेफर किया हुआ है तो हम उसका इतना पढ़ लें कि उस जजमेंट में हेल्ड क्या किया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिमिलरली देखिए जजमेंट, एक जजमेंट है उसके ऊपर मेन जजमेंट के विद इन अगर कोई जजमेंट्स मेंशन करी हुई है तो उसकी लिस्ट हमें बनानी पड़ेगी। और ये नोट्स बनाकर ही हम बार बार अगर रिवाइज करेंगे तभी हम ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे कौन से लॉ कमीशन ने क्या हेल्ड किया था ये बिल्कुल बिल्कुल उसी जजमेंट के अंदर मेंशन किया गया था, वहां से ये क्वेश्चन उठाया। तो अब के बाद अगर लॉ कमीशन की मेंशन होती है जजमेंट में तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लॉ कमीशन ने क्या कहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे अगेन हमारा यू नो जजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द जजमेंट पूछा हुआ है, जजमेंट के बीच में से जजमेंट निकाल के पूछी हुई है, सिमिलरली यहाँ पर भी। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर यू नो अगेन जजमेंट में से जजमेंट। अब एक और जो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, क्वोरम कि कौन कौन से जजेस थे जिन्होंने वो जजमेंट दी, तो उनके नाम भी हमें लिख लेना है। तो नेम ऑफ द जजमेंट, नेम ऑफ द जजेस जिन्होंने जो उस जजमेंट मतलब बेंच जो क्वोरम था, कौन कौन से जजेस थे जब वो जजमेंट दी गई वो आपको याद करना है, उसको क्वोरम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन नेम ऑफ द जजमेंट, देखो नेम ऑफ द जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूज डज नॉट कंटेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस, तो अगेन अगर आपने जजमेंट पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़नी है और ये आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे से आपको जजमेंट मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं आपको दिखाना चाहती थी पूरा का पूरा। ये पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। सिर्फ और सिर्फ 22 का पेपर ही नहीं बल्कि 2020-2021 का क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, वो भी ज़रूर चेक करना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सो स्टेप वन इज आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स प्लस हाई कोर्ट जजमेंट्स इंपॉर्टेंट। सो द वर्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आप देख रहे हो पूरे इंडिया के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, कितनी सारी जजमेंट्स हर रोज आती हैं, क्या हम उन सबको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या अगर पढ़ भी लेंगे, आप गो थ्रू भी हो जाओगे, क्या हम उनको मेमोराइज कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पे फोकस करना है। एंड अगर हम 2022 का एनालिसिस जो मैंने आपको आपके आगे बिल्कुल किया है उसमें हमें ये पता चलता है कि मोस्टली जो ये लोग जजमेंट्स पिक कर रहे हैं वो द हिंदू में प्रेजेंट है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो हमारे लिए द हिंदू इम्पॉर्टेंट है और वहीं से हमने अपनी जजमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। सो रीड न्यूज़पेपर एवरी डे एंड पर्टिकुलर रीड द डिसीजंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द हिंदू,
द हिंदू एग्जाम एयर पे हर रोज एनालिसिस होता है। अब यहाँ पर अगर आप मेरी क्लास अटेंड करने लग जाओगे तो आपका क्या बेनिफिट होगा, आप मुझे बताओगे कि हम क्लैट एलएलएम वाले बच्चे भी आ गए हैं। तो अगर आप में से एक बच्चा भी आकर मुझे बोल देता है लाइव में कि दीदी हम क्लैट वाले बच्चे एलएलएम वाले बच्चे ये क्लास लगा रहे हैं, तो वहां पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करने लग जाऊंगी कि ये वाला जो आर्टिकल है ये क्लैट एलएलएम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वाला जो एडिटोरियल है ये क्लैट एलएलएम वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या होगा, तुम वहां से हेडलाइंस वो पिक कर लोगे, वो जजमेंट पिक कर लोगे जो वो एडिटोरियल में मेंशन है, वो टॉपिक पिक कर लोगे, वो आर्टिकल पिक कर लोगे और अपने नोट्स में मेंशन करते जाओगे। अगर कोई स्पेसिफिक जजमेंट मेंशन करी गई है, कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फ्रीबी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा आया, या फिर जो एमपी एमएलए हैं अगर वो कन्विक्टेड हैं वो किसी चीज के अंदर, किसी केस के अंदर, तो क्या वो इलेक्शंस लड़ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन उठा, तो जजमेंट्स को रेफर किया गया। तो जजमेंट्स को रेफर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस जजमेंट में विद रिगार्ड टू कन्विक्शन ऑफ एमपीज एंड विद रिगार्ड टू इलेक्शंस व्हेन इट कम्स टू कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएस, ठीक है ना। अब ये जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, न्यूज में इतनी बार आ चुकी है। फ्रीबी वाली जजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि वो पिछली लैंडमार्क जजमेंट को रेफर करे, और अगर इन टॉपिक्स पे कोई आगे जजमेंट आ जाती है तो हमें वो भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें न्यूज़पेपर की क्लास जो एग्जाम आयर पे हो रही है वो हमें बिल्कुल बिल्कुल अटेंड करनी है। अगर आप वो क्लास अटेंड करने लग जाओगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास अटेंड करोगे, क्लास सिर्फ अटेंड नहीं करनी, वहां से नोट्स के अंदर तुम्हारा क्या बनेगा, नोट्स के अंदर तुम्हें यहां से पिक करनी है। बता दिया मैंने जजमेंट्स के नाम, कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो लीगल टॉपिक, करंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिसमें लॉ आ जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनेशनल का है, चाहे वो नेशनल का है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो हाई कोर्ट का है। इतनी बात समझ में आ रही है तो कमेंट्स में कह दो कि हाँ, फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू फॉलो एग्जाम आयर, वी आर गोइंग टू अटेंड योर न्यूज पेपर की क्लास, जो कि हमारी 6 PM to 7 PM होती है। कब से कब होती है, जो हमारी क्लास है वो 6 PM to 7 PM हर रोज होती है, और इसका आपको न्यूज पेपर भी वहीं पर मिल जाता है। ये इतना कर सकते हो, ये हमने आज से करना स्टार्ट कर देना, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। अब अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, बट अगर आप ओनली एंड ओनली द हिंदू पे भी ये चीज का फोकस कर रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप एनालिसिस देख लीजिए, जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने चेक किया कि क्या ये वाले न्यूज, ये वाले जो जजमेंट्स थी ये न्यूज के अंदर आई थी, यस ये न्यूज के अंदर आई थी। तो इसका मतलब अगर कोई भी लीगल डिसीजन है जो न्यूज़पेपर में आ गया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो वहां पर है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हमने पहले क्या था कि अगर हम 2020 का पेपर देखते हैं, अगर हम 2021 का पेपर देखते हैं, तो क्या था, वो न्यूज़पेपर में से भी इम्पॉर्टेंट का इम्पॉर्टेंट पूछ रहे थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो डाल रहे थे। बट 2022 के अंदर जो भी न्यूज़पेपर में था इम्पॉर्टेंट नहीं इम्पॉर्टेंट इन्होंने डाला, तो अब हमारे लिए हर लीगल न्यूज आर्टिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया। इतनी क्लैरिटी है, तो फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है, अपनी नोटबुक एक निकाल ली है जिसके अंदर हम डे टू डे लीगल न्यूज लिखते जाएंगे, जजमेंट स्पेसिफिकली मेंशन कर देंगे, बिकॉज यहीं से हमें पता चलेगा कि हमने अब ये जजमेंट पढ़नी है, हमने अब ये पढ़नी है। इतना क्लियर है, न्यूज़पेपर रीड लीगल न्यूज लाइक दैट ऑफ, ठीक है, कोई मैंने बता दिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन है वो तो पढ़ना है, कोई अमेंडमेंट हो रही है किसी एक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल इस बार क्वेश्चन आया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में से, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में से क्यों है, इतना ज्यादा डिस्कस था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लास्ट ईयर 2021 में और इवन 2022 में, क्योंकि अमेंडमेंट्स डिस्कस हो रही थी, इतने सारे एडिटोरियल्स लिखे हुए थे। तो इसके बारे में अगर हमने बेयर एक्ट उठाकर थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी ले ली, और आपको पता है सबसे बेस्ट पार्ट, जब कोई लॉ का टॉपिक इतना ज्यादा डिस्कस होता है ना, वो एडिटोरियल में सब कुछ डिस्कस करवा देते हैं, सही बात है। तो अगर हम अच्छे से लीगल न्यूज पढ़ लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, और उसके नोट्स बना लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद कोई नया लॉ आया है, कोई इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक है जिसको रेफर कर रहे हैं, और उसके अंदर लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि एमपी एमएलए का जो मैंने आपको कन्विक्शन वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें बड़े क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ये वाली जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आई थिंक 6 ईयर्स का बैन है वो बस ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शंस लड़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा, इतना करना है, स्टेप वन क्लियर है। अब आ जाओ स्टेप टू पे, नोट्स बनाने हैं नोटबुक के अंदर द हिंदू में से, ठीक है, हेडिंग्स नोट डाउन करनी है, जजमेंट नोट डाउन करनी है। अब ये जो मेरे नोट्स बने, नोट्स फ्रॉम, क्या बोलेंगे हम इसको, नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, ये नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर बन गए, यहाँ पे बस नहीं है बेटा, ये तो हमारे बेसिस बन गया, ये क्या बन गया, हमारा बेस बन गया। अब यहाँ पे अगर मैंने जजमेंट ए मेंशन करी है तो वो जजमेंट ए अगर लैंडमार्क जजमेंट है, मुझे उठाकर वो स्टडी करनी पड़ेगी और वो जजमेंट के मुझे अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ से तो मुझे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है, और उसके लिए मैं अलग नोटबुक लगाऊंगी जिसमें मेरे नोट्स, जजमेंट के नोट्स अलग होंगे। तो एक तो मेरी न्यूज़पेपर वाली नोटबुक होगी और एक मेरी जजमेंट के नोट्स वाली नोटबुक होगी। अब आप पूछोगे जजमेंट में से हमें क्या क्या नोट करना है, उस पर भी आऊंगी। तो हमें वन बाय वन कंडक्ट करनी है रिसर्च फॉर जजमेंट्स, हाउ टू एंड व्हाट टू रिसर्च, देखो कैसे रिसर्च करनी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप। आपने क्या करना है, आज ही क्लैट 2020, क्लैट 2021 एंड क्लैट 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि मेरी वेबसाइट में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा जाओ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो। इससे इजी मैं आपको पेपर अवेलेबल नहीं करवा सकती हूँ, ठीक है ना, कि जाओ क्लिक करो डाउनलोड करो प्रिंट करो, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल है ये, ठीक है। अगर मैं लिंक करना भूल जाऊँ तो कॉमेंट में करते रहना कॉमेंट, ठीक है, अल्टीमेटली लिंक हो जाएगा, मैं कर दूंगी, वैसे प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लो। अब तुम पूछोगे कि दीदी फिर 2019 का क्यों नहीं निकाले, 2018 का क्यों नहीं निकाले, क्योंकि बेटा जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पैटर्न ऑफ द एग्जाम है, हमारा पैटर्न ऑफ द एग्जाम कब चेंज हुआ, 2020 में। तो जो अब ये 2022 वाला पैटर्न चल रहा है, जो 2023 में पैटर्न आएगा वो आपका 2020 वाला है, 2018 2019 वाला नहीं है। तो हमें ये क्वेश्चन पेपर ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब तुमने जजमेंट पढ़ने बैठना, तो सबसे पहले क्या करोगे, 10 मिनट्स फटाफट से इसके क्वेश्चन पढ़ लोगे, इन क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर्स के, ताकि तुम्हें एक पर्पस मिल जाए लाइफ में, आइडिया मिल जाए कि कैसे से क्वेश्चन मेरे से जजमेंट में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट जो बच्चा ये करेगा ना उसका पेपर पक्का क्लियर होगा, ठीक है। अब उसमें कैसे जजमेंट पढ़नी है, नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोट्स। क्या करना है, सबसे पहले तो नेम ऑफ द पार्टीज, नेम ऑफ द पार्टीज के हमने देखे इस बार 2022 में कितने क्वेश्चन आए हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस 2022 में, ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं नेम ऑफ द पार्टीज को लेकर, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट इज द जजमेंट अबाउट, थोड़ा सा हमें पता तो चलता है ना। अब जैसे सेक्स वर्कर्स पे अगर जजमेंट आई है तो मैं जजमेंट का नेम लिखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगी राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स या सिर्फ सेक्स वर्कर्स, ठीक है ना, इतना आइडिया हमें देना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद आगे आएगा आर्टिकल्स और सेक्शंस, आर्टिकल्स और सेक्शंस, जो आर्टिकल, अब आप जजमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले तो साथ में ही जजेस के नाम, जो जजेस क्वोरम का बात है, क्वोरम मतलब जो जो जजेस बैठे थे और उन्होंने जजमेंट दी, ठीक है, वो उनका नाम आप लिख लोगे अपने नोट्स में, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दिया। उसके बाद हमारे आते हैं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमें देखो अभी तक हमें फैक्ट्स में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हमें फैक्ट्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, स्टोरी क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमें अंडरस्टैंड भी तो करना है ना, सब कुछ रट्टा मार के तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हम थोड़े फैक्ट्स समझेंगे, थोड़े क्या फैक्ट्स को पढ़ेंगे, फिर बीच में हमारे आएंगे कुछ सेक्शंस, कुछ आर्टिकल्स, हम इनको समझेंगे, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहे तो हम इनके बारे में रिसर्च करेंगे, इनको समझेंगे, बेयर प्रोविजन, और ऑब्वियसली अगर कोई सेक्शन वहाँ पे मेंशन है तो मैं वो सेक्शन लिख लूँगी, उसका नंबर लिख लूँगी, वो किस बारे में है, और उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी मुझे लिखने पड़ेंगे। यस, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, मुझे फाइंड आउट द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सेप्शंस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, तो ये हमें करना है। उसके बाद एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स रिलेटेड टू द सेक्शन और आर्टिकल्स नोटेड डाउन इन योर नोट्स। अब क्या है, सेक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे सेक्शंस मेंशन होंगे और प्लस जजमेंट्स मेंशन होगी, या लॉ कमीशन का मेंशन होगा, या फिर कोई कमीशन बनाया गया उसके बारे में मेंशन है, तो वो हमें नोट करना है एंड फिर हमें उसके बारे में लिखना है कि क्या हेल्प किया इसमें, जजमेंट में क्या हुआ। सेक्शंस का मैंने आपको बता दिया कि सेक्शन का नंबर किस बारे में है और इसेंशियल इंग्रीडियंट्स और एक्सेप्शंस, कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अगर क्लैट एलएलएम हलवा नहीं है, क्लैट एलएलएम हलवा इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोई बुक आती नहीं है इसकी, ठीक है, मैं भी आपको गाइडेंस दे सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे लेवल की गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ अगर आप लोग एकजुट होकर आ जाएं इस प्लेटफॉर्म पे और कहें कि हाँ अगर आप हमें बताओगे हम पक्का आपको सपोर्ट करेंगे। और सपोर्ट कैसे कर सकते हो, व्यूज देकर,
ठीक है ना, व्यूज दोगे तो फॉर श्योर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो कमेंट करो कि आप मेरे को मंथ वाइज क्लास करनी चाहिए आपके लिए या नहीं करनी चाहिए। हर हर बारी एक वीडियो करें जिसके अंदर हम कुछ करें जिससे कि आपके और मदद हो, तो कमेंट डाउन करना पड़ेगा। उससे मुझे पता चलेगा कितने लोग सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट 1000-2000 लोग अगर कॉमेंट करते हैं तो मज़ा आ जाएगा क्लास लेने का भी। उसके अंदर ये करना है, उसके बाद जजमेंट एंड जजमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट में से जजमेंट आती ही है, हमें ये देखना है कि जजमेंट इन जजमेंट। अब क्या होता है, कभी कभी एक जजमेंट आई, ठीक है, जजमेंट आई, ए जजमेंट आई और न्यूज़पेपर में उसका मेंशन है, ठीक है, बट वो खुद जो जजमेंट है वो पूरी, मतलब वो जजमेंट ए जो है उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मेंशन किया हुआ, वो किसी वन लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात कर रही है, ठीक है, एक लैंडमार्क जजमेंट के अराउंड ये जजमेंट आई, सिर्फ 10-17 पेजेस की ये जजमेंट है। चलो हमने ये पढ़ ली, ट्राई करो कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक जजमेंट जो है वो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन वन लैंडमार्क जजमेंट, तो हमें वो लैंडमार्क जजमेंट, इसी केस के अंदर हमें लैंडमार्क जजमेंट को पूरा पढ़ना। नहीं तो अगर जजमेंट में जजमेंट है तो हमें जजमेंट पढ़ने की, मतलब जजमेंट में जजमेंट का मतलब ए जजमेंट पढ़ रहे हैं, ए जजमेंट मेंशन पढ़ते पढ़ते हमें वन जजमेंट आई, टू जजमेंट आई, तो ये जजमेंट का हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए इसमें क्या हेल्प था। बट अगर मेरी जजमेंट जो आई है वो एक ही लैंडमार्क जजमेंट पे डिपेंड करती है और जजेस ने सिर्फ कम पेजेस में बता दिया कि ठीक है वो वाली जजमेंट को रेफर करते हुए हम ये केस कर रहे हैं, तो आपको वो जजमेंट लैंडमार्क पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऐसे केसेस में से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना, 2022 के अंदर। आगे चलेंगे, कोई डॉक्ट्रिन की बात करी गई है, कोई जूरिसप्रूडेंस के कॉन्सेप्ट। देखो अगर कोई भी जजमेंट आती है जिसके अंदर जूरिसप्रूडेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन आ गया है, पता होना चाहिए कौन सी जजमेंट में आया, किसने सबसे पहले डिस्कस किया, कौन सा लीगल ऑर्डर था जो लेकर आया इसको, आपको पता करना पड़ेगा। जूरिसप्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है तो आपको अपनी बुक भी उठानी पड़ सकती है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए। कोई अमेंडमेंट हुई है जो जजमेंट में मेंशन है, वो अमेंडमेंट के बारे में पता होना पड़ेगा, कौन सी अमेंडमेंट थी, नंबर क्या है उसका, कौन से ईयर में हुई, ये सब कुछ। सर्टेन थिंग्स टू कीप इन माइंड, अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अगर हम अपने नोट्स की बात करते हैं तो हमारे एक तो बन गए द हिंदू में से, जिसमें से हमें पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे जो नोट्स बनेंगे वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनेंगे, जजमेंट वाले नोट्स, ठीक है, उसके लिए हमें अलग से नोटबुक रजिस्टर लगाना है। ये दो रजिस्टर्स लग जाएंगे हमारे। अब जजमेंट पढ़नी कैसे, देखो मैं जजमेंट पढ़नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो पहले पहले अगर आपने कभी जजमेंट नहीं पढ़ी है तो आपको जजमेंट पढ़ना डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है, ईजी नहीं है, मैं तो बोला ही नहीं ईजी है, डिफिकल्ट लगेगा। मैंने एक तो जजमेंट वाली वीडियो ऑलरेडी करी हुई है, जनरल वीडियो की जजमेंट पढ़नी कैसे, वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नहीं तो हाउ टू रीड जजमेंट लॉगरी मेंशन करना, यूट्यूब पे जाकर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, 10-15 मिनट्स की छोटी सी वीडियो है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली LLM वालों के लिए जजमेंट वाली वीडियो तो भैया कॉमेंट करना पड़ेगा। तो जजमेंट पढ़नी कैसे, स्टार्टिंग में आपने नाम नोट किया, जजेस के नाम नोट करे, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मे बी आपको कुछ समझ में नहीं आए, पढ़ो उसको। एंड जो फैक्ट्स हैं, अगर बहुत ही ज़्यादा घुमाने वाले फैक्ट्स हैं, बहुत ही सब चीज़ें हैं, तो अपनी एक रफ नोटबुक ले आओ और उसके अंदर माइंड मैप बनाने की कोशिश करो कि एक ए था, ए ने बी को इतने पैसे दिए, फिर इसने ये किया, ये लॉ कहता है। अगर आप ऐसे माइंड मैप्स रफली बनाओगे तो समझ में आएगा, गारंटी देती हूँ पक्का समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जजमेंट्स अपने आपको समझानी पड़ती हैं, फिर बाद में आपको ऐसे ही समझ में आ जाती हैं, फिर आप देखोगे बहुत सारी रेपिटेशन है, बट एक बार ही तो पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली फिर सेक्शंस आएंगे, उनको समझोगे, मे बी एक जजमेंट को 2 डेज भी लग जाए स्टार्टिंग में, पर कोई बात नहीं, अगर हमारे 4 डेज भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे वो जजमेंट अच्छे से पढ़नी है। अगर आप हर रोज क्लार्ट को 3-4 आवर्स भी दे देते हो, जिसमें कि 1 आवर की आप न्यूज़पेपर की क्लास अटेंड कर लो और बाकी 3 घंटे जजमेंट वाले पार्ट को दे दो, आई डोंट थिंक आपको कोई रोक सकता है क्लास क्लियर करने से, ठीक है। ये आपको करना है जजमेंट्स के लिए और ये आपको 2 रजिस्टर्स हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि भाई ड्यूरेशन
कब से कब तक की कवर करनी है। देखो अगर हम ड्यूरेशन देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2022 के पेपर में 2021 की जजमेंट्स आई, 2022 की जजमेंट्स आई और 2020 की भी आई। देखो 2020 के अनएक्सपेक्टेड थी, 2021 और 2022 एक्सपेक्टेड थी, ये क्रॉस कर देते हैं कि ये तो चलो हम जो कर सकते हैं। अब डूएबल भी तो देखना है ना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस 2021-2022 में से आए थे, क्योंकि हमारा पेपर जो हुआ था मई 2022 में हुआ था, ठीक है ना। तो बनता भी था कि 2021 का ईयर और 2022। इस बार ही हमारा पेपर हो रहा है 18th दिसंबर 2022 को, तो हमारी जो न्यूज़ बनती है मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट वो बनती है 2022 की जो जजमेंट्स है हमारी वो इम्पॉर्टेंट है। 2021 की अगर करनी भी है कवर तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की कर सकते हो, बट पहला फोकस जो हमारा है वो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 की जजमेंट्स पे रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आएगी, बात क्या आएगी कि दीदी अभी से तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पिछले का क्या करें, पिछली जजमेंट्स का क्या करें। देखो एक तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगी मेरी लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस, लीगल करंट अफेयर्स की फ्री के अंदर वीडियोस करी हुई है, वहां से जो जजमेंट्स निकलती हैं उनको पकड़ लो, ठीक है। जजमेंट्स भी शेयर करी हुई है मैंने, वो जजमेंट्स पकड़ लो, एक तो ये है आपका। दूसरा अगर आप द हिंदू की ई सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लग जाओ मंथ वाइज निकाल ले, द हिंदू में से लग जाओ ई सब्सक्रिप्शन में हर रोज न्यूज़पेपर में से निकालने जनवरी से कि कौन सी मेरी इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ है। देखो आपको करंट से तो कुछ लेना नहीं है, आपको किससे लेना है, जो मेरी करंट लीगल करंट अफेयर्स है उससे। तो वो अगर आप न्यूज़पेपर में से निकालने लग जाओगे कि कौन सा मेरा इंपॉर्टेंट करंट लीगल करंट अफेयर्स है, तो आप दिन में 4-5 न्यूज़पेपर्स बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अगर जिस बच्चे ने ये कर दिया बैकलॉग के लिए, उसकी तो विजय मतलब उसकी तो सक्सेस पक्की है। तो ये करो प्लस ये करो एंड यही आपका बैकलॉग के लिए सबसे बेस्ट है, बैकलॉग के लिए ये बेस्ट है, ठीक है ना। ये आप कर दिया तो ये बैकलॉग के लिए आई थिंक इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप कहते हो ये नहीं हो सकता तो फिर इस पे डिपेंड करोगे। एक और बात है दीदी, बहुत सारी वेबसाइट्स वीकली डेली मंथली राउंड अप्स पोस्ट करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, हमने सुना है वो बहुत बेनिफिशियल है। राउंड अप्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है। देखिए डेली राउंड अप्स मत फॉलो करो, डेली राउंड अप्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। डेली द हिंदू फॉलो कर लो, मेरे ख्याल से वो बेस्ट है, और मंथ वीकली भी मत फॉलो करो राउंड अप्स, पर मंथली फॉलो कर सकते हो। मंथली राउंड अप्स किसी भी वेबसाइट के आप उठा लो, कोई भी आपको जो सही लगती है उसके आप SSC है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मंथली राउंड अप्स उठा सकते हो। और जो मैंने सिलेबस क्लैट की गाइडलाइंस के सिलेबस में आपको बताया था कि अगर इन वाले सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो इन वाले सब्जेक्ट्स से अगर रिलेटेड जजमेंट्स हैं तो आप उठा सकते हो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है। अगर आप चाहते हो कि मैं उठाकर आपको लिस्टिंग करूं कि हाँ ये वाले जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है फॉर LLM स्पेसिफिकली, देन आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ना जिसमें हम सारे एक साथ आएं, तो वो आप मुझे बता दीजिए कैसे एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, या तो हम इसी जो ये हमारी वीडियो है इसके नीचे ही हमारा ग्रुप समझ लेते हैं, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते जाइए और मैं फिर उसके ऊपर काम करती रहूँगी। ऐसा कुछ कहीं से तो मुझे पता चलना पड़ेगा ना, कहीं तो मैं आपके कॉन्टैक्ट में आऊँगी। तो ये चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। एंड जो मंथली राउंड अप्स हैं, जो मंथली राउंड अप्स हैं वो आप मतलब पहला आपका द हिंदू ही रहेगा, मंथली राउंड अप्स आपका सेकेंड रिजॉर्ट रहेगा, ठीक है ना। द हिंदू का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, सिंपल। अगर आपको लग रहा है मंथली राउंड अप्स कर देती हूँ द हिंदू छोड़ देती हूँ, नहीं, तो द हिंदू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेप 3, लीगल न्यूज रिसर्च एंड नोट्स। देखिए लीगल न्यूज जो आ जाती है आपको जजमेंट के अंदर भी, अगर कोई सब्जेक्ट मेंशन है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, ये कॉन्करेंट में करता है, उसका क्या नंबर है ये आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेबल टू होम द लॉ और द अमेंडमेंट, रीड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट मेंशन। तो ये अगर कोई अमेंडमेंट हो रही है, कोई न्यूज़ है, तो उसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मतलब आपको लीगल वर्ल्ड में क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्लैट 2021 का एनालिसिस में आपको दिखा देती हूँ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ज्यूरिसप्रूडेंस से क्वेश्चन आए थे एनालिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे। अब यहाँ पर जो 2021 के क्वेश्चंस थे वो आप पैसेजेस में से पढ़कर, मतलब ये वाला पैसेज आप पढ़ते तो आप बड़े आराम से आंसर दे सकते थे। 2022 के अंदर हमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं दिखा है, बट बाकी सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही थे, मेमोरी बेस्ड थे, ठीक है ना। और अगर हम जजमेंट्स देखें 2021 की तो 2021, 20,
2021, 2021, 2021, 2021, 2021, ठीक है ना। देखिए 2018 में से जजमेंट आई थी, बट अगेन ये न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा थी उन दिनों में, तब आई थी। अगर हम इसको क्रॉस भी कर दें तो मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट्स तो हमारी वही एक साल के ड्यूरेशन में से ही आती है ना, ठीक है, क्योंकि पहले हमारा पेपर मई जून में होता था, ठीक है ना। अब हमारा पेपर दिसंबर में हो रहा है, तो हमें एक साल पूरा पूरा कवर कर जाना है, ठीक है। 2021 का अगर हम पेपर देखते हैं, तो 2021 के पेपर में हम क्या देखते हैं, यही देखते हैं ना कि 2021 की जजमेंट, 2020 की जजमेंट यही आई हुई है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ पैसेजेस जो हमारे हैं वो यहीं से आते हैं। हम भागते रहते हैं शॉर्टकट की तरफ, शॉर्टकट है नहीं है, द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू पढ़ोगे तभी बात बनेगी, वो हम पढ़ते नहीं है। हम सीधा जाते हैं राउंड अप्स पे, राउंड अप्स में कुछ चीज़ें जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम मेकआउट नहीं कर पाते कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, बट यहाँ पर द हिंदू में हमें क्लियर कट पता चल जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लैट 2020 की बात करें, जो हमारा पहला चेंज पैटर्न जहाँ से हुआ क्लैट LLM का, तो वहाँ पर भी 2020 की जजमेंट, 2020, 2020, 2019, 2020, 2020, 2020, नो डाउट पिछले सालों की आती है, बट आप मेजॉरिटी देखो ना, हर एक पैसेज में से इंटू फाइव तो कर ही लो क्वेश्चंस। अगर ये 10 क्वेश्चंस मुझे नहीं भी आते थे तो मुझे इतने क्वेश्चंस इंटू फाइव तो आते थे ना, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिकली देखिए क्या कवर कर सकते हो। अब मैं आपको बोलूं पिछले 10 इयर्स की इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर कर जाओ, नहीं कर सकते, याद ही नहीं रह सकती, बिकॉज जिस डिटेल में ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम सिर्फ जो पिछला हमारा वन ईयर है अगर हम उसकी जजमेंट्स भी अच्छे से पढ़ जाएं तो हमारे पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे हम जजमेंट्स कहाँ से लें। देखिए www.loggery.com पे बहुत सारी जजमेंट्स मेंशन होती है, नहीं तो गूगल पे आपको जजमेंट्स अवेलेबल होती ही हैं, ठीक है ना। तो जजमेंट ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी अगर कोई जजमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं www.loggery.com पे अवेलेबल करवा दूंगी। ऑब्जेक्टिव सेक्शन, अब देखिए यहाँ पे क्लैट की गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं कि क्लैट आपसे क्या चाहता है, ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ो। तो क्लैट हमें कह रहा है पीजी क्लैट 2023 यू विल बी प्रोवाइडेड एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्राइमरी लीगल मटीरियल सच एज इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूज और रेगुलेशंस। ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। ये हमें पता है, ये हमें पैटर्न बता रहे हैं कि भाई पैसेजेस आएंगे, जजमेंट्स में से पैसेजेस उठाए जाएंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हमारी ये अबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड चेक कर रहे हैं, ठीक है, एनी आर्ग्यूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स डिस्कस, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ द इशूज, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन हमें ये क्या पढ़ाना चाहते हैं ये हमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर पीजी क्लैट 2023। ये कह रहे हैं कि आप रिफ्रेश कर लो, क्या रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स एंड ट्राई टू डिसर्न वेरियस इश्यूज डिस्कस्ड इन सच जजमेंट्स, ठीक है ना। वही मैंने बता दिया ना, सेक्शंस, उन सेक्शंस में क्या कहा हुआ है, आर्टिकल्स, जजमेंट्स, ये सब हमें पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेंशन करी गई हैं। इसलिए कह रही हूँ जजमेंट पढ़ने से पहले हर रोज कम से कम क्लैट का एक पेपर में से क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना कि टाइप क्या है, ठीक है। रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, पर्टिकुलरली दोज दैट मे हैव बीन डिस्कस्ड इन रीसेंट जजमेंट्स। क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ो इसको, दोबारा पढ़ दूँ, ये कह रहे हैं कि हमें पर्टिकुलरली कौन से, देखिए यहाँ से पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट, वो क्या कह रहे हैं रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ठीक है, पर्टिकुलरली दोज दैट मे हैव बीन डिस्कस्ड इन रीसेंट जजमेंट्स। तो हर कुछ आप कहते हो कि दीदी हम यूनिवर्सल की बुक उठाकर पढ़ लें, हम सिंगल्स की पढ़ लें, अरे भाई उसके अंदर तो बहुत पीछा, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला रीसेंट जजमेंट्स, बोल दिया इन्होंने बहुत क्लियरली रीसेंट जजमेंट्स, पर हम तो नहीं पढ़ रहे, हम तो कह रहे हैं क्लैट इम्पॉसिबल है, क्लैट LLM करना ही इम्पॉसिबल है। इतने सारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जहाँ पे वो क्या कहते हैं क्लैट LLM इम्पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, मेहनत, स्मार्ट वर्क, राइट स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री। अब इट वुड ऑल्सो बी यूजफुल टू इंश्योर यू आर अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सच प्रोविजन सो दैट यू हैव मोर कम्प्लीट अवेयरनेस ऑफ सच प्रोविजन एंड द इशूज रिलेटेड टू दैम। ये हमारी जजमेंट में ही हमारी जजेस हमारे लिए बहुत अच्छे से कर देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, वो सब कुछ, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है,
अगर हमें वो समझ नहीं आ रहे तो हमें समझने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी, पर हमें रिसर्च तो अगर हम जजमेंट पढ़ रहे हैं पूरी, तो बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ हमारा कवर हो जाता है, और क्वेश्चंस भी जजमेंट्स में से ही आ रहे हैं, रीसेंट जजमेंट्स में से। ठीक है, सो गाइस, अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन बुक करना चाहते हैं, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें दीदी से पूछने हैं, तो आप वन ऑन वन सेशन बुक करवा सकते हो। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो हैड एंड बुक अ सेशन। ठीक है, अगर आप मेरे साथ फ्री में बात करना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है @IAMLawGiri। ठीक है, और आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी फॉलो कर सकते हो जो कि लॉगरी के नाम से है। ठीक है ना, वहाँ पर भी आप क्वेरीज पूछ सकते हो, वहाँ पे एक चैट वाला ग्रुप है, वो वाला ग्रुप जब क्वेरी हो तब ज्वाइन करो, नहीं तो उसको मत ज्वाइन करो, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें, डिस्टर्बिंग हो जाता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बट हाँ, जो एक मेन ग्रुप है जहाँ पे चैट्स ओपन नहीं है, वो आप ज्वाइन करके रखो, बिकॉज वहाँ पे आपको पता चलता रहता है कि हो क्या रहा है चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे कर सकते हो आप, मेरे को कमेंट करिए, कमेंट करिए, बिकॉज कमेंट्स के अंदर हम अलग ही कम्युनिटी बनाते हैं इसी वीडियो के नीचे, कि आपको क्या क्वेरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड फिर हम देखेंगे कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन वेयर एवर यू वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर। अगर आपको लगता है किसी को हेल्प करेगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।